गुड मॉर्निंग। टुडे यू विल स्टडी एक्सरसाइज 30.2। आई होप यू हैव लर्न फार्मूला रिलेटिव एक्सरसाइज 13.2। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिलेटिव सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले हम रेडी यहां बनाते हैं कि किसकी बात हो रही है। तो ये बात हो रही है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। उसमें गिवन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन में क्या है, उसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2πRH। ठीक, कर्व सरफेस एरिया, देखिए दो फॉर्मूले आपके पास में, एक कर्व सरफेस एरिया है, एक प्लेन सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया मीन्स जो उसका घुमावदार पोर्शन है, मीन्स 2πRH, उसकी वैल्यू है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बेस का डायमीटर पूछ रहा है। मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस फाइंड करते हैं, पाई की वैल्यू। अब देखिए एस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर मीन्स हाइट हो गई, कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2πRH हो गई, 2 × 22.7 × रेडियस मल्टीप्लाई हाइट 40 इक्वल टू 88। अब यहां देखते हैं 7 × 2 = 14 हो जाएगा, आर इक्वल टू 88 / ठीक, आर की वैल्यू 88 / 2 × 22 × 2। अब देखिए क्या होगा, 22 × 4 = 88, 2 × 4 = 4 आ गया, आर इक्वल टू आ गया 1 cm। तो डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, 1 × 2 = 2 cm इसका आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 m एंड बेस डायमीटर 140 cm। मीन्स देखिए क्या कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक, मीन्स एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना, हाइट क्या होनी चाहिए इसकी 1 m। ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 1 m। फिर क्या है, एंड बेस डायमीटर, बेस डायमीटर 140 cm। ठीक है, 140 सेंटीमीटर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14/10 m। ठीक है, 14/10 m। फ्रॉम अ मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो कह रहा है मेटल शीट से उसको बनाना है। ठीक है, मेटल की शीट जो होती है चौड़ी सी, लंबी सी, पतली सी होती है, तो उसी का यूज करके यहाँ पे क्या बनाना है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। ठीक है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब सीट कहाँ पे लगेगी, जैसे देखिए यहाँ पे आपसे ना तो वह कर्व सरफेस एरिया पूछा, ना ही वैल्यू पूछा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो सीट कहाँ पे लगेगी, तो सीट जो है जो उसका कर्व सरफेस एरिया उस पर लगेगी, और जो प्लेन है मीन्स जो सर्कल के शेप में है सीट वहां पर लगेगी। ठीक, एक्चुअली में यह क्लोज्ड टैंक बनाना है, मीन्स बंद बनाना है,
खुला नहीं होना चाहिए, तो सीट वहां पर लगेगी। मीन्स यहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सीट, ठीक, रिक्वायर्ड सीट इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr into h+r, ठीक है। 2πr into h+r मीन्स वही 2πrh क्या है, ये कर्व का हो जाता है। फिर जो प्लेन वाला है तो प्लेन वाले हो जाएगा 2πr2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 5 की वैल्यू 22/7 का पुट करते हैं, 22/7 इनटू रेडियस, इसका रेडियस क्या है, देखिए डायमीटर इसका कितना रहा 14/10, तो जो इसका रेडियस होगा ये हो जाएगा 14/10 × 1/2, मीन्स रेडियस इक्वल टू हाफ हाफ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर का आधा जो है रेडियस होता है, तो 2 × 7 = 14, ये होता है 7/10 मीटर, ठीक है, राइट, 7/10 मीटर। तो यहाँ हम कर देते हैं, पुट करते हैं 7/10 × h+r, जो इसकी हाइट है वो 1 है और प्लस रेडियस 7/10 यहाँ पे। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो आ जाएगा यहाँ पे 22/5 × ये क्या जाएगा 10 × 10 और प्लस 7 तो जाएगा ये 17/10। तो अब यहाँ पे देखिए कोई सिंपल सम होता तो कर देते हैं, तो यहाँ जो है मल्टीप्लाई कीजिए या सिंपल सम में कर भी सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 2, अभी आ जाएगा 17/17, 17/17 = 18 / 25। तो 187 को हम 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 6 = 150 हो जाएगा, 25 7 करते हैं, ठीक है, 25 7, ठीक, 7 × 25 = 14 और 14 ये हो जाएगा 17, ठीक, 7 − 5 = 2, यहाँ 1, ठीक, डेसिमल देंगे यहाँ इसको तो 0 हो जाएगा, 14 25 4 = 100, फिर यहाँ आएगा 20, फिर 0 देंगे तो 25 2 100, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 7.48 square meter, ठीक। तो जिसका आंसर हो जाएगा 7.48 square meter, ठीक है, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 7.48 meter square, ठीक है। हम आशा करते हैं आपके दोनों क्वेश्चन 13.2 के फर्स्ट और सेकंड लर्न हो गए, सॉरी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन का स्टडी आप नेक्स्ट डे करेंगे, और आप फार्मूले मतलब मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप फार्मूले का रिवाइज जरूर कर लिया करिए, जिससे आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।